बीजेपी के संकल्प पत्र में हिंदुत्व का एजेंडा गायब, काशी मथुरा एजेंडे से गायब, क्या आक्रामक हिंदुत्व से छुड़ा रही पीछा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका, रणभेरी बच चुकी। 19 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है, आक्रामक चुनाव प्रचार भी हो रहा है, लेकिन अब जाकर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया, इसे मोदी की गारंटी कहा जा रहा। लेकिन आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति से हट गई है पीछे बीजेपी कार्यकर्ता, लगाते हैं नारा, राम मंदिर झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र से इस मुद्दे को ही गायब कर दिया। क्यों कहा जा रहा है भाजपा आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति से पीछे हट रही है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। इससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर कहानी क्या है? आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने आज दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पार्टी की घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसका टाइटल बीजेपी ने मोदी की गारंटी दी है। मोदी की गारंटी नाम के इस टर्म को ही बीजेपी इस बार अपना सबसे बड़ा चुनावी नारा बनाकर पेश कर रही है। बीजेपी के इस संकल्प पत्र में गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक का जिक्र किया गया। लेकिन पार्टी के इस घोषणा पत्र के सामने आने के बाद एक खास सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी आक्रामक हिंदुत्व के एजेंडे को अब धीरे धीरे नजरअंदाज कर रही है? ऐसे में यह सवाल अहम हो गया कि क्या बीजेपी अब अपने आक्रामक हिंदुत्व वाले रुख से पीछे हट रही है। इसके पीछे कई तर्क हैं। पार्टी लंबे वक्त से बहुसंख्यक आबादी के सवर्ण वोट बैंक पर निर्भर करती थी, लेकिन 2014 के चुनाव के बाद से बीजेपी ने जातिगत समीकरणों तक को ध्वस्त करने में सफलता पाई, यूपी बिहार जैसे राज्यों में। इसके चलते ही पार्टी का विस्तार देखने को मिला। पीएम मोदी ने दिल्ली आने के बाद ही नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। काशी मथुरा एजेंडे से गायब। जमीनी स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक ऐसी जमात है जो कि अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है नारा लगाकर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी बीजेपी इस बार अपने चुनावी संकल्प पत्र में काशी मथुरा को शामिल कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी के घोषणा पत्र में काशी मथुरा का जिक्र तक नहीं है। अब कहने को तो बीजेपी के नेता यह बयान दे सकते हैं, दोनों के ही केस कोर्ट में चल रहे हैं, उसका फैसला भी कोर्ट भी करेगा। ऐसे में यह तर्क दिया जा सकता है, लंबे वक्त से राम मंदिर का केस भी अदालतों में था, उस दौरान भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र था। हिंदुत्व के एजेंडे से ही हुआ बीजेपी का उत्थान। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में जिस बीजेपी को 2 सीटें आई थी, ठीक 5 साल बाद उसे 1989 में 85 सीटें मिली थी। इसकी वजह अयोध्या राम मंदिर आंदोलन था। पार्टी ने 1989 में पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पारित किया था। इसके साथ ही बीजेपी लगभग सभी घोषणा पत्रों में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करती रही। 1992 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद बीजेपी को एक बड़ा बूस्ट मिला और आज भी राजनीतिक विश्लेषक स्पष्ट तौर पर कहते हैं, अगर राम मंदिर का मुद्दा समय पर हल हो जाता तो संभवतः बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर उत्थान इतनी जल्दी कभी न होता।